मेहता का उल्टा चश्मा। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है, एंजॉय योर फूड। थैंक यू यू दैट्स है ना, गर्मा गरम। सुनो सुनो, हाँ एक महत्व की बात, पीटी पार्टी का फंड। अरे हाँ हाँ। हमारी महिला मंडल का 3 साल का मंथली कलेक्शन का टोटल होता है 1,60,000 रुपए। बड़े अमाउंट है। इसे कहते हैं टीपे टीपे सरोवर भराए। तो हमें आज ये डिसाइड करना है कि इन रुपयों का करना क्या है। ओके, मेरा सजेशन है कि हमें इन रुपयों को ना इन्वेस्ट करना चाहिए। और बबीता जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या है, पैसे इन्वेस्ट करेंगे ना तो सेफ रहेंगे। नहीं का मैं क्या कहती हूँ कि हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल नहीं, तारक हमेशा कहते हैं कि शेयर बाजार का काम हम जैसों का नहीं है। उतार चढ़ाव होते रहते हैं, हमारे पैसे डूब गए तो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। शेयर बाजार में कब हमारा इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा। मैं तो कहती हूँ पैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं, बैठे बैठे रुपए दुगने हो जाएंगे। हाँ, ये ठीक है। हाँ यार, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। अरे दैवा भी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या सोच रही है आप? दरअसल मैं ये सोच रही थी कि हम लोग ऐसी जगह पैसे रोके कि रोकड़ का रोकड़ भी हो जाएगा और वापर का वापर भी। मतलब उपयोग का उपयोग भी। अगर भाई, पर दोनों कैसे शक्य है? दया भाभी, आप कहना क्या चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन कट्टी पार्टी के रुपयों से क्यों ना हम कोई सोने का हार या नेकलेस खरीदे। क्या कह रही दया भाभी आप? सोने का भाव कितना बढ़ गया है। हाँ, और हमारे लिए सोना खरीदना जैसे सपना जी उठेगी। रोशन भाभी, वही तो मेरा कहना है, क्यों ना हम लोग मिलके हमारे सपने को पूरा करें। कैसे? समझाती हूँ। देखिए, हमारे कट्टी पार्टी के रुपयों से हम लोग एक मस्त सोने का हार या नेकलेस खरीदेंगे और वो हार या नेकलेस हम सब गोकुलधाम सोसाइटी की लेडीज के बीच में रहेगा। यानी कोई भी लेडीज के घर पर कोई फंक्शन हो, शादी हो या त्योहार हो, वो ये हार पहन सकता है। तो बोलो कैसा लगा मेरा आइडिया? दया भाभी, आपका आइडिया तो वैसे बहुत बढ़िया आया। गुड आइडिया। सच कहूं दया भाभी, आपका ये आइडिया 24 कैरेट खरे सोने जैसा है। रीजनेबल आइडिया। हाँ, वरना हमारे लिए गोल्ड खरीदना हमेशा बजट से बाहर ही रहने वाला है। और वैसे भी हम में से अकेले किसी को सोने का नेकलेस खरीदना जैसे इम्पॉसिबल है। राइट, मिलकर खरीदेंगे तो सहज शक्य है। नहीं तो हो गए ना रोकड़ का रोकड़ और वापर का वापर। ठीक है, तो ये तय रहा, हम अपनी किटी पार्टी के पैसों से सोने का हार खरीदेंगे। लेकिन दया भाभी, ये आइडिया आपको आया कहाँ से? अरे हाँ, भीड़े बहन, ये अहमदाबादी दिमाग का चमत्कार है। वो क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है कि हम मध्यम वर्गीय लोग हमेशा कोई ना कोई तंगी में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलने से हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। और फिर ना कोई महंगाई हमें नड़ सकती है और ना कोई महंगाई हमें तोड़ सकती है। दया भाभी, 16 आने सच बात कही है माने। थैंक यू। कम ऑन गर्ल्स, लेट्स क्लिक सम पिक्स। ओहो दया भाभी, लगता है जेठा भाई का फोन है। जेठा भाई उनको मिस कर रहे होंगे। अरे नहीं नहीं, सुंदर हीरा का फोन है, अहमदाबाद से। हेलो। हाँ वीरा। हेलो बेना, कैसी हो तुम? मैं मजे में हूँ, पर माँ कैसी है? बेना, माँ भी एकदम मजे में ही है। वो अपने बहू की सहेलियों के साथ मंदिर सत्संग करने के लिए गई है। माँ तो माँ है, हमेशा
पूजा पाठ करती रहती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने घर पे फोन लगाया लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था, सिर्फ रिंग ही बज रही थी। अरे वीरा वो क्या है, हमारी गोकुल धाम सोसाइटी की सब लेडीज है ना, वो कट्टी पार्टी में फोटो खींचने होटल में खाना खाने के लिए आए हैं। क्या बात है बेटा, बेटा तू तारे अपनी किटी पार्टी एंजॉय कर। मैंने तो सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया था कि मेरा एक खास दोस्त है कल फ्लाइट से मुंबई आ रहा है, तो मैं उसके साथ माय डियर जीजाजी के लिए मठिया पूरी और सिंह भेज रहा हूँ। बोल और कुछ चाहिए तो बोल। हाँ, अरे वीरा तुम अपने जीजाजी का इतना ख्याल रखते हो, वही बस है वीरा। अच्छा वीरा वो तुम्हारे दोस्त का नाम क्या बताया? बिना मेरे दोस्त का नाम राकेश है, लेकिन प्यार से हम उसे सिटी कहकर बुलाते है। क्या फिर से बोले तो? बिना मेरे दोस्त का नाम राकेश है और प्यार से उसे हम सिटी कहकर बुलाते है। ठीक है। वीरा गोकुल धाम सोसाइटी की तुम्हारी सभी बहनें तुम्हें हेलो बोल रही है। बेना मेरी ओर से उनको भी हेलो बोलना और अपना ख्याल रखना। अच्छा बेना फोन रखता हूँ। ठीक है वीरा बाय बाय। चलो चलो हो गए बहुत फोटो खींचे। सुंदर भाई ने अचानक फोन क्यों किया? हाँ? वो क्या है, सुंदर वीरा का एक दोस्तार है राकेश भाई, लोग उनको प्यार से राकेश सिटी कह के बुलाते हैं। तो सुनिए वो अहमदाबाद से मुंबई प्लान से आने वाले हैं, तो वो हमारे लिए वो मठिया पूरी सिंह और सब फरसान लेकर आने वाले हैं, तो ये सब बताने के लिए वीरा ने फोन किया। क्या बात है। राकेश सिटी। सुंदर भाई के दोस्त का नाम भी एकदम कमाल है। हाँ। जब मेरा सुंदर वीरा ही कमल का है तो उसका दोस्त भी कमल का ही होगा ना। हाँ तो आज की मीटिंग में ये तय रहा कि किटी पार्टी के रूप में उसे सोने का हार खरीदेंगे। और सबसे महत्व की बात, हम सोने का हार खरीद रहे हैं वो हम अपने पतियों को अभी नहीं बताएंगे। बिल्कुल नहीं, ये बात हम लेडीज लोगों के बीच में ही रखनी है। और जब भी कोई शुभ प्रसंग आएगा तो हमारे में से कोई भी लेडीज हार पहनेगी तो हमारे पतियों को अपने आप पता चल जाएगा। गोल्डन सरप्राइज। और उससे अच्छा स्वीट सरप्राइज तो हो ही नहीं सकता है। राइट। चलो तो फिर इसी बात पे डिजर्ट मंगवा ले। अरे हाँ। आज तो मज्जा मज्जा। रखिए ना प्लीज। अरे भीड़े बहन कल हम सब साथ में नेकलेस लेने जाने वाले हैं ना, रखिए आप अपने पास रखिए पैसे। नहीं नहीं बरोबर है, पर क्या है ये कैश घर में रहती है ना तो इनको बहुत टेंशन हो जाता है, तो हाँ प्लीज आपके पास रखिए ना प्लीज। अरे उसमें क्या। थैंक यू दया भाभी। चलो बाय बाय दया भाभी। अच्छा तो ये है गोकुलधाम सोसाइटी और सुंदर वीरा की बहन दया यहाँ रहती है। अब देखो सुंदर वीरा का ये दोस्त क्या करामत दिखाता है। दया बहन नमस्ते।
नमस्ते, आप कौन? मैं सुंदर भाई का दोस्त राकेश सिटी। थोड़ी देर पहले तो सुंदर वीरा से बात हुई और आप अभी आ भी गए? हाँ, मेरी दोपहर की फ्लाइट थी और फ्लाइट टाइम पे आ गई तो राकेश सिटी सीधा यहाँ पे आ गया। अच्छा किया, आइए ना, आइए आइए, बैठिए बैठिए। कहना पड़ेगा आपका नाम बहुत अच्छा है, राकेश भाई सिटी। वो सुंदर भाई ने नाम रखा है, जब भी सुंदर भाई सीटी बजाते ना मैं हाजिर हो जाता था, तो इसीलिए सुंदर भाई ने नाम रख दिया राकेश सीटी। वीरा एकदम मैप पर गया है, नाम रखने में उस्ताद है। हाँ, तो सुंदर भाई का ऑर्डर था मुंबई पहुंचते ही सबसे पहले जाके सीधा दया बहन को ये मठिया पूरी और सिंह के पैकेट पहुंचा देना, तो मैं सीधा एयरपोर्ट से इधर आ गया। हाँ। ये ले लो। थैंक यू। ओहो, वीरा ने कितना कुछ भेजा है मेरा वीरा। ओहो, मैं सुंदर भाई को फोन कर दूँ। हाँ। ओहो, कितना पक्का। ओहो, हाँ सुंदर भाई, मुंबई पहुंच गया हूँ मैं। हाँ, सब पैकेट दे दिया है। हाँ, दया बहन से बात कर लो। हाँ बोलिए। हाँ, ट्रैफिक में अटके? हाँ, कोई बात नहीं, वो ट्रैफिक में अटके तो बाद में बात करेंगे। कोई बात नहीं, तो बोलिए राकेश भाई, आप नाश्ते के साथ क्या लेंगे, चाय या कॉफी? नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत जल्दी अर्जेंट एक पार्टी के पास सैंपल देना है। नहीं नहीं नहीं, कितना भी अर्जेंट हो ना बोलने का ही नहीं, हमारे घर पर जो भी मेहमान आते हैं वो चाय नाश्ता किए बिना जा ही नहीं सकते। ठीक है दया बहन, आपको ना नहीं बोल सकता, आपको ना बोलूंगा तो सुंदर भाई उधर अहमदाबाद में प्लेन उतरने ही नहीं देंगे ऐसे हवा में। वही तो, बैठिए बैठिए, मैं अभी चाय नाश्ता लेकर आई हूं। वाह दया बहन वाह, पता ही नहीं चलता मुंबई में बैठ के ढोकला खा रहा हूँ, एकदम अहमदाबाद जैसे ढोकले। अहमदाबाद की हूँ तो अहमदाबाद जैसे ही लगेंगे ना। बहुत मस्त है, कमाल एकदम। खाइए खाइए। हाँ बोलो बोलो मोहन भाई, जय श्री कृष्ण। हाँ मुंबई पहुंच गया हूँ मैं। हाँ हाँ, नेकलेस का सैंपल लाया हूँ। हाँ अभी दिखाता हूँ आपको, डिटेल सब बोल देता हूँ, एक मिनट। अरे भाव तो जो अपना आपने ऑर्डर बुक करवाया था वही भाव, आपके साथ इतना पुराना संबंध है, आपसे थोड़ी ज्यादा लूंगा मैं। हाँ आप बेफिक्र रहिए। हाँ दया बहन जरा। बेफिक्र रहिए मोहन भाई, आपके साथ आपकी बेटी के ससुराल वाले भी खुश हो जाएंगे, ये राकेश सिटी की गारंटी है। हाँ, जो बात हुई थी 5-7 तोला है, आपने जो बताया था वैसा ही है, लेटेस्ट डिजाइन, एकदम लेटेस्ट डिजाइन, भरोसा नहीं है आप मेरी बहन से बात करके पूछ लीजिए। हाँ, भरोसा है तो ऐसे बोलो ना, संबंध के भी काम आवे पति। मैं अभी गोरेगांव में हूँ, बस आप फोन रखो, फटाफट निकलता हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। राकेश भाई, आपको सोने के दागिने बनाने का बिजनेस है? हाँ देवेन, मैं राजस्थान का छोटा सा कारीगर, अहमदाबाद आया था कमाने के लिए, तभी सुंदर भाई की हीरा पारखू नजर मुझ पे पड़ी, उन्होंने मेरा धंधा जो बढ़ाया, मुझे अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। अहमदाबाद सूरत बड़ौदा कहीं भी पार्टी के पास जाते ना, सुंदर भाई कहते है कि सोने का झुमका दागिना वीटी लेना है तो सिर्फ एक राकेश सिटी। वीरा, वीरा। ये मेरा धंधा बढ़ाने में सुंदर भाई का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत नसीब वाले दया बहन, आपको एकदम हीरे जैसा भाई मिला है। सुंदर वीरा है ही हीरा। अच्छा राकेश भाई, आपके पास 10-15 मिनट होगी? हूँ तो बहुत जल्दी में, लेकिन क्या हुआ बताइए। वो क्या है, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की सब लेडीज है ना, और मैं भी, हम लोग नेकलेस लेने का सोच ही रहे थे, और ये डिजाइन बहुत अच्छी है, तो मैं सबको यहाँ बुला कर ये दिखाना चाहती हूँ, तो मैं बुलाऊं? ओ अरे दया बहन, मैंने आपको पहले ही बोला, किसी और को ना बोल सकता हूँ, लेकिन दया बहन को ना बोला तो सुंदर भाई मेरा प्लेन उतरने नहीं देंगे ऐसा हवा में। अब बुला लीजिए बुला लीजिए। थैंक यू, एक मिनट रहिए। अंजलि भाभी, अरे अरे, अच्छा हुआ बबीता जी, अंजलि भाभी आप लोग यहीं हो। क्या हुआ दया भाभी? एक मिनट एक मिनट, कोमल भाभी, रोशन भाभी, भिड़े बैंक जल्दी। हाय दया भाभी। हाय। क्या हुआ दया भाभी?
क्या बात है दया भाभी, कुछ टेंशन है? अरे नहीं नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है, अच्छी बात है। आप सब लोग अभी मेरे घर पर आइए, सब बताती हूँ। ओके, जल्दी और जल्दी। अंजलि भाभी सुपर्ब, अंजलि भाभी नाइस, सुपर्ब। हाँ लग रहा है। हाँ है, पर बहुत खूबसूरत, देखो। मस्त लग रहा है। Nice, nice. और मेरा आप लोगों के हाथ में भी जो सेट है इज वेरी प्रिटी। ये देखिए कितना सा लंबा है ना। नाइस। हां और सबकी अलग-अलग डिजाइन है, नहीं? हां वही ना। राकेश भाई, ये एक-एक सेट कितने तोले के हैं? देखिए ये जो है ना, ये 5 तोले का है। ये वाला जो है वो 6.5 तोला, ये 7.5 तोला और ये 10 तोला। राकेश भाई, इन सब सेट की कीमत क्या होगी? देखिए ये जो ये है ना, ये 1,35,000, ये वाला जो है 2.25 लाख, ये 2 लाख और ये 3.5 लाख। ये भाव मैंने 27,000 रुपए तोले के हिसाब से लगाया है। पर राकेश भाई, आज एक तोले सोने का भाव तो 32,000 से भी ज्यादा है, तो आपने 27,000 कैसे भाव लगाया? देखिए सोने का भाव तो रोज बढ़ते चढ़ते रहता है। अभी कुछ ज्वेलर्स क्या करते हैं कि पहले ऑर्डर ले लेते हैं, फिर जब भी 1-2 महीने बाद डिलीवरी देनी होती है ना, तभी जो मार्केट में तोले का भाव चल रहा है ना, उस हिसाब से पैसा लेते हैं। मेरा धंधा एकदम चोखा है। मेरे धंधे का उसूल है कि मैं कस्टमर से जिस दिन बुकिंग लेता हूँ ना, उस दिन मार्केट में जो भाव है वही रेट में लेता हूँ, फिर 2 महीने बाद कितना भी भाव क्यों ना ऊपर उड़ जाए। क्या ईमानदारी है। लेकिन राकेश भाई, इसमें आपको नुकसान नहीं होता? अरे दया बहन, ईमानदारी से धंधा करो तो नुकसान कभी होता ही नहीं है। और दूसरा क्या है, मैंने 15,000 से 18,000 के भाव में 100 तोला सोना खरीद के रखा है, तो मुझे तो नुकसान होना ही नहीं है। और सच कहूँ ना तो आजकल हमारे धंधे में इतनी चीटिंग हो गई है, पूछो मत। मजूरी के नाम पे, पॉलिश करने के नाम पे, ट्रेडमार्क के नाम पे, फिर वो क्या होता है, टैक्स के नाम पे, अरे कितना कुछ लगा देते हैं और कस्टमर को लूट लेते हैं। और कुछ लोग तो अभी भी जूना तोला और नए तोले के नाम पे कस्टमर को बेवकूफ बनाते। जूना तोला नवा तोला ये क्या है, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया राकेश भाई। हाँ। दया बहन मैं समझाता हूँ। जूना तोला जो था ना, वो 1 तोले का 1 जेट वजन था 11.650 ग्राम। बराबर। और अभी जो नया तोला है ना, उसका 1 जेट वजन है 10 ग्राम। अभी आप लोग सोना खरीदने जाओगे तो वो आपसे पैसे लेंगे जूने तोले के हिसाब से, मतलब 11.650 के हिसाब से, और आपको सोना कितना देंगे, नया तोला मतलब 10 ग्राम। ऐसा सब लूटते हैं इन लोग। मतलब 1 तोले पे सीधे 1.5 ग्राम की चीटिंग। बोलो, हम लेडीज लोग बार त्योहार पर इतना सोना खरीदते रहते हैं, लेकिन हमें पहले कभी किसी ने इतनी बारीकी से नहीं बताया। तो बघा ना, मैं तो ये सब पहली बार सुन रही हूँ। हम भी। ये सब कोई कैसे बताएगा, क्योंकि ये सब तो धंधे के अंदर की बात है। और आप लोगों को ये सब इसलिए बताया क्योंकि दया बहन सुंदर भाई की बहन, और मैं जो कुछ भी हूँ वो सुंदर भाई की वजह से हूँ, इसलिए पेट छोटी बात की मैं। थैंक यू भाई। हाउ स्वीट। राकेश भाई, ये सारे सेट्स आपके ऑर्डर के ही है? जी नहीं, ये 10 तोला वाला है वही एक ऑर्डर का है, बाकी उधर शादी की तैयारी चल रही है, तो ये 3 तो मैं सिर्फ सैंपल के लिए दिखाने ले जा रहा हूँ। अच्छा, हम लोग 2 मिनट सर अंदर जाके बात करें। राकेश भाई 2 मिनट। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं ये कह रही हूँ कि 2 मिनट हम जरा बात करके आते हैं। मुझे पता है आपको बहुत लेट हो रहा है, पर अरे दया बहन, आपको मैंने पहले ही बोला ना, आपको ना बोलूंगा तो अहमदाबाद में होते नहीं देंगे और आप हवा में घूमते रहेंगे। थैंक यू। जरा क्रिकेट के आकाश के ध्रुव तारे और हम सबके चहेते सचिन तेंदुलकर आज अपने टेस्ट करियर का आखिरी टेस्ट मैच यानी कि 200वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं वानखेड़े स्टेडियम। सचिन को आखिरी बार पिच पे खेलते हुए देखना, यकीनन ये एक ऐसा क्षण है जो इतिहास के पन्नों पे सदैव स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। सचिन के बिना क्रिकेट की कल्पना करना हम जैसे लोगों के लिए असंभव,
हम जैसे लोग जिन्होंने 24 वर्षों से सचिन को बेहद संयम के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखा है, रनों का झरना बहाते हुए देखा है, सिक्सेस और चौकों के पहाड़ बनाते हुए देखा है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटते हुए देखा है, बहुत सारे नए रिकॉर्ड्स को बनते हुए देखा है। सचिन, आपके बिना क्रिकेट फिर वैसा नहीं रहेगा। लेकिन आप सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है सचिन, आप तो प्रेरणा है हम सबके लिए। आप विनम्रता और संयम की प्रतिमूर्ति है। ईश्वर करे देश को ऐसा हीरा हमेशा मिलता रहे। सचिन, न तुम्हारे जैसा कोई हुआ है न होगा। एक तरफ सचिन को आखिरी टेस्ट मैच में खेलते हुए देख के हम लोग खुश हो रहे होंगे, दूसरी तरफ गोकुलधाम की महिलाओं पे एक संकट आने वाला है। क्या है ये संकट, क्या है इस राकेश सिटी का मकसद, ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन हाँ, एक विशेष बात और, आज 14 नवंबर है, बाल दिवस। देश और दुनिया के तमाम बच्चों को गोकुलधाम की ओर से, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की ओर से और टप्पू सेना की ओर से विशेष तौर पे बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए और हंसते रहिए मेरे साथ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।